गाइस कार्टून है पूरा, बहुत बड़ा कार्टून है, कार्टून। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठोक के लाइक दबाना, ओके ठोक के लाइक दबाना। तो रास्ते में हमें जो है मिले हैं देवा भाई, तो देवा भाई से मिलकर बड़ी खुशी हुई। कमीज का रंग लाल है, पांट का पता नहीं, हम आपको याद करते हैं, आपका पता नहीं। अच्छा, खूबसूरत हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो फ्रेंड्स, उस बच्चे के लिए हमने एक तो ये पसंद करा है, उसे एक गिफ्ट के रूप में देंगे, क्योंकि गर्म है ना अभी, जाती शानदार लगा हमको ये भी, तो शायद उस बच्चे को पसंद आएगा नहीं आएगा। लेकिन प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो है काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मेरा ब्लॉग लगातार कई दिन से नहीं आ रहा था, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं कहीं थोड़ा बिजी था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉग आपके सामने लाया हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं अपने ब्लॉग में एक ऐसे लड़के से मिलाना चाहूँगा आपको मैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी था उसको मुझे वीडियो में लाना, एक ऐसे टैलेंटेड बच्चे को, हमारे पहाड़ में एक छुपी हुई प्रतिभा, मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लाऊंगा। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ नाचनी, और आज मेरे साथ जो है एक छोटा बच्चा हिमांशु भी मेरे साथ ब्लॉग में है, और जीवन भी मेरे साथ ब्लॉग में है। तो फ्रेंड्स, अभी निकलता हूँ मैं नाचनी की, और नाचनी से हमें सबसे पहले उसके लिए हमें खरीदना है एक छोटा सा गिफ्ट, जो कि मैं उसके बच्चों को गिफ्ट दूंगा मेरी तरफ से। और वो बच्चा क्या है और कौन है, कहाँ है, तो फ्रेंड्स आप थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं चलता हूँ आप सीधे उस बच्चे की ओर लेकर के, आपको आइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, और ये है यहाँ का धूप का वातावरण भी बहुत शानदार हो रहा है, कितना बढ़िया मौसम है। तो गाइस, हम चल दिए हैं नाचने की ओर। तो फ्रेंड्स, चलते चलते रास्ते में हम नाचने की ओर जा रहे थे, तो अभी रास्ते में हमें एक दोस्त मिले हैं, हमारे भाईजान मिले हैं, थोड़ा भाईजान से मिलते हैं। ये हमारे देवू भाई, और हमारे बांस रगड़ के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, और समझ लीजिएगा ये बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, और आपको मैं इसको इनको मिलाने शायर हैं, और इनकी शायरी आपको थोड़ा सा सुनाएंगे गाइस, देखिएगा। तो देवा भाई, थोड़ा सा सुनाइए कुछ यार। दुनिया झुंडा फिर भी घमंड है, बच्चे मेरा आठ है, कहाँ बराबर नूनी नहीं, नूनी बराबर घी, देखो घर में सा है, पुलो बढ़ा के पी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रात की रानी दिन का राजा, मिलना है तो पांच राजा, 10 रुपए के किस्मत करते, 20 रुपए के काजू, 50 साल में शादी की, 20 साल में राजू। राजू 20 साल। अरे अच्छा, एक बार देवा हिंदी में तो बताओ यार, कोई शायर शेर शायरी हिंदी में। कमीज का रंग लाल है, पांट का पता नहीं, हम आपको याद करते हैं, आपका पता नहीं। अच्छा, खूबसूरत हो, क्या नाम है तुम्हारा? दिल खाना चाहता दाम तुम्हारा, ढूंढूंगा जब तेरी गली से, खिड़की से झाड़ देना, फूल तो महंगे पड़े के लेके ढूंढा फाक देना। अच्छा, देवा भाई कुमार, बड़ा अच्छा नाम है, हम भी रखेंगे अपने लल्ला। देखा है पहली बार तेरे घर में बल दे उजा, दीक्षा ढाकन दीक्षा ढाकन, संगीता फोन कर ली नहीं उठाते खोरा फोन ल, माया को ऐसो जाल बिने बिना दुकाने फसल, संगीता नहीं उठाते भाटा तोड़ ल, पंचुड़ी जानी घोला छोड़ो सा, दाता घर जानी थोला छोड़ो सा। तो देवा भाई यार, मज़ा आ गया यार आपके साथ, बहुत बहुत, ये है हमारे देवा भाई। तो हमारे देवा भाई की अगर आपको शायरी अच्छी लगी गाइस, तो ज़रूर उसको लाइक कर दीजिएगा, और आपको लग रहा है कि देवा भाई में कोई टैलेंट है, तो ज़रूर आप इनका वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चलते हैं फ्रेंड्स सब आगे की ओर। तो फ्रेंड, हम जा रहे हैं, हमारे बीच में मगनू बैठा है, छोटा बच्चा, नाचने की ओर जा रहे हैं, पीछे जीवन है। तो फ्रेंड चलते हैं, ठंडा लग रहा है, धूप बढ़िया अच्छी थी, रात बारिश होगी यहाँ पर जो है, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे बाइक में भी हॉर्न ठीक कराना है, हॉर्न नहीं बज रहा है बाइक में, तो एक बार गाड़ी वालों को भी हॉर्न दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना, हम चलते हैं नाचने की ओर, अभी मुझे दाढ़ी भी बनानी है, थोड़ा दाढ़ी अजीब सी हो रही है,
और उसके बाद फिर चलते हैं उस बच्चे के पास, उस टैलेंटेड बच्चे के पास। अभी मैं उस बच्चे को आपके सामने नहीं बताना चाहूँगा वो बच्चा है कौन, लेकिन जो है ना उस बच्चे को देख करके आप भी बहुत खुश हो जाओगे, उसका टैलेंट देख करके बहुत खुश हो जाओगे। तो अभी बढ़ते हैं नाचने की ओर। अभी हम बिल्कुल खड़े हैं इस व्यू के नज़ारे के पास, कितना अच्छा व्यू है और बहुत ही शानदार है यहाँ पर जगह। बहुत जगह तो खैर सभी जगह अच्छी होती है पहाड़ों में, लेकिन और जो है बादल और ये सब देख सकते हैं तो हम बहुत अच्छा। और जाड़ों के समय में धूप का मज़ा, आज क्लियरिटी धूप हो रही है फिर। तो गाइज अभी जो है हमारे साथ ये ना ये मगनू भी आया है, मगनू मतलब हिमांशु, और इसको ना ये बड़ा शौक है घूमने का, तो ये पता नहीं क्यों हमारे साथ आ गया। क्या करना है भाई? हम आए हैं घूमने। क्या घूमने? कोई यहाँ पिकनिक चल रहा है क्या? चल भी सकती है। क्यों चल सकती है? आप देख रहे हो कैमरा चल रहा है इधर, नाप चलता है। नाप चलता है क्यों? गाइस कार्टून है पूरा, बहुत बड़ा कार्टून है, इसे कार्टून बता सकते हैं हम। और ये पता नहीं क्यों आज हमारे साथ चिपक गया जबरदस्ती के, मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। हमने कहा चल भाई तू भी चल। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं नासी सर, मुझे हिमांशु की जगह मगनू बुलाते हैं। अब देखें क्या देखें। गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठोक के लाइक दबाना, ओके ठोक के लाइक दबाना। और ये हमारे सोनू भाई हैं, क्या हाल है सोनू भाई? तो सोनू भाई हमारे लिए सेविंग करेंगे, थोड़ा सा कट लगाएंगे बियर्ड में। तो गाइस अभी जो है बिल्कुल दाढ़ी बन चुकी है और अब हम निकलते हैं सीधा, अभी हॉर्न ठीक कराना है। अच्छी नई जगह है और ये क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, यहाँ ग्राउंड तैयार हो रहा है। अरे बंद पड़ी यार दुकान। बंद पड़ी है यहाँ पे दुकान, यार क्या करें फिर। आओ उस बच्चे के लिए थोड़ा सा गिफ्ट खरीद लेते हैं। छोड़ यहाँ पर देखते हैं कुछ मिल जाएगा। तो ये हमारे हरीश भाई साहब कैसे हैं? लाइव है क्या? लाइव चल रहा है अभी। हमने सोचा ये हमारे हरीश भाई साहब फेमस नाचनी के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और हमें जो है ये मिला है कार्टून। कार्टून आगे तो बिलो हुआ। कौन है? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। ये लब्बू है, इसका भी यूट्यूब चैनल है, इसका भी चैनल जरूर गाइस लाइक करिएगा। किस नाम से था वो? लब्बू चौपाल। लब्बू चौपाल के नाम से गाइस। तो गाइस देखते हैं अभी यहाँ पर क्या लें क्या नहीं लें। उसके लिए समझ रहा हूँ कि ट्रैक शूट ले लेते हैं, शायद उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो ट्रैक शूट दिखा दीजिए फिर। हाँ अभी तो जो है वहाँ तो मिला नहीं, एक बार यहाँ पर आए हम। बांसपगड़ रोड पे दुकान है, युवा कलेक्शन दुकान से। ये बांसपगड़ रोड है और ये नाचनी का पुल है और ये नाचनी मार्केट है और यहीं पर ये दुकान है युवा कलेक्शन। देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही सही रेट पे और बहुत ज़बरदस्त आप कपड़े यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारे जगदीश दा ये है। जगदीश दा कुछ बताइए अपनी दुकान के बारे में। छोटी सी कोशिश है हमारी कि सीमांत क्षेत्र में इसे सुदूर क्षेत्र में ठीक क्वालिटी के थोड़ा प्रोवाइड कर पाए। बहुत बढ़िया सर। अभी हमने ये हमारे फ्रेंड्स, आपका शुभ नाम भैया? दीपक बथियाल जी। दीपक बथियाल जी हैं जगदीश दा के साथ ही। कुछ आप देख सकते हैं यहाँ शूज के साथ साथ और काफ़ी कलेक्शन है और अंदर भी इसका गोदाम है कपड़े के लिए। देखिएगा अंदर काफ़ी बड़ा, आप आ सकते हैं, बिल्कुल खुला स्वागत है आपका नाचनी मार्केट में युवा कलेक्शन जगदीश दा की दुकान पर। मुझे तो बहुत पसंद आए यहाँ के कपड़े, मैंने भी कुछ कपड़े का यहाँ पर शॉपिंग किए हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स उस बच्चे के लिए हमने एक तो ये पसंद करा है, उसे एक गिफ्ट के रूप में देंगे क्योंकि गर्म है ना, अभी जाड़ों का समय चल रहा है दिसंबर का महीना, तो गर्म में ये लूवर काम करेगा। और उसके साथ साथ एक कुछ यहाँ पर कुछ गर्म है उसका ये पहनने के लिए, अपर बहुत ही शानदार लगा हमको ये भी। तो शायद उस बच्चे को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमको तो पसंद आया है, तो इसीलिए गर्म है तो हमें जगदीश दा ने इसको निकाल के दिया। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने भी कुछ अपने लिए लिया है, मैंने भी वही लिया जो उस बच्चे का है, अपने लिए भी वही लिया और उस बच्चे के लिए भी वही लिया। अभी हम नाचनी में खड़े, हमारे बाइक का हॉर्न ठीक हो रहा है।
तो फ्रेंड्स जो है हमारे तीनों काम हो गए हैं, हमने दाढ़ी भी बना ली है और जो है उस बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट भी खरीद लिया है और हमारा जो होरन है ना वो भी ठीक हो गया है। तो अब बस तीनों काम बढ़ गए, नाचनी हमारे काम पूरा हो गए, अब हम चलते हैं। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से सीधा उस बच्चे के पास। यहाँ से दुल्यापगड़ से निकल गए हैं सीधा तल्ला भैंस कोट और एक गोलगांव एक जगह है जो कि बहुत ही डेंजरस रास्ते में है क्योंकि अभी नई नई रोड बनी है तो बहुत खतरनाक सीन है। और ये देखेगा बंदर का कमेंट करना गाइस, जैसे कि हमने पहले बोला था गाइस। अबे क्या बोल लिया। ये है हमारे बांसवगड़ जहाँ हम रहते हैं, ये गांव। तो फ्रेंड्स फिर से मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो है वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, जिसके लिए मैं वीडियो को यही रोकना चाहूँगा और मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर उस बच्चे को मिलाऊँगा जिसके लिए हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा वेट और करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।